खुशी दीदी पास में आके जोर से बोलना। जय सच्चिदानंद। शुद्धात्मानं स्वपारदर्शन माणि कदाने नित्ये पूर्ण। शुद्धात्मानं स्वपारदर्शन माणि कदाने मृदगाने सूरज किरण ज्ञानी ने हर पल गुरु गुण खंडगाने। सूरज किरण ज्ञानी ने हर पल गुरु गुण। शुद्धात्माना स्वपरदर्शन माणि गदाने नित्ये पूर्ण। आत्मा प्रतिष्ठित सद्गुरु दर्पण दिव्य चक्षुरे अनात्मा समर्पण। आत्मा प्रतिष्ठित सद्गुरु दर्पण दिव्य चक्षुरे अनाथ सर्पण। बिंदु संयोगम ओंकार नूलम प्रत्यक्ष कल्पाप मोक्षादियातम। शुद्धात्माना स्वपरदर्शन माणि गदाने नित्ये पूर्ण। जय सच्चिदानंद। आपने बहुत बड़ा पद निकाला, अच्छा गाया। मालूम है इसको मीनिंग दीपक दादा? वो बोलिए। ये हमारे अंदर के जो दादा भगवान स्वरूप शुद्धात्मा भगवान है ना, हाँ वे कैसे हैं? वो खुद को भी प्रकाशित करते हैं और हमारे सारी क्रियाओं को भी प्रकाशित करता है। दर्शन यानी वो प्रकाशने का दिखाने की शक्ति है। ये लाइट होती है ना, ये लाइट अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकती, इसीलिए क्या कहा जाता है, दिया तले अंधेरा होता है, ऐसा बताया है, ऐसा सुना है। दिया तले अंधेरा नहीं होता है। दिया तले का मतलब क्या है? अंडर द लैम्प। समझ में नहीं आया? ये लैम्प अगर ऐसा है और ऐसा जलता है तो उसके नीचे लाइट होती है? नहीं होती है। इसीलिए दिए को क्या कहा कि वो पर प्रकाशक है, वो दूसरों को प्रकाशित कर सकता है लेकिन खुद को प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन शुद्धात्मा का प्रकाश, शुद्धात्मा के दो मुख्य प्रकाश है, उसे दर्शन प्रकाश बोलते हैं और दूसरे को ज्ञान प्रकाश बोलते हैं। दर्शन प्रकाश से हमें समझ में आता है, ये जो हमारी समझने की शक्ति है ना, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, वो दर्शन प्रकाश से है। और ज्ञान प्रकाश से हमें अनुभव में आता है कि हकीकत क्या है। समझ पूरी होने पर वही दर्शन प्रकाश ज्ञान प्रकाश यानी अनुभव खुला करता है, एक्सपीरियंस, और हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। ये समझ में आएगा आगे। लेकिन मेन माणिक थारी नित्य पूनम यानी क्या है कि ये जो फुल मून होता है ना, हाँ डू यू नो व्हाट इज फुल मून? या पूनम, पूनम का चंद्रमा होता है ना, पूनम हाँ का चंद्रमा पता है आपको? हाँ पता। हाँ, वो पूनम का चंद्रमा यानी हमारे मन को
कोई भी संयोग में हमारा मन व्याकुल होता है और उसको समाधान नहीं मिलता, इसीलिए हम परेशान होते हैं। और अगर हमने मन को पहचान लिया, समझ लिया, ये भीतर के शुद्धात्मा भगवान के प्रकाश से हम मन को, अपने ही मन को अच्छे से समझ लेते हैं, और अच्छे से समझ लेने पर कोई भी संयोग हमें परेशान नहीं करता। इसीलिए दादा भगवान के बारे में ये बताया है कि गुरु पूनम जो बताया ना, ठंडक आने सूरज किरण जो तो बताया, ठंडक सूरज याने मन से ठंडक मिलती है और सूरज से ज्ञान होता है। सूरज वो हमारा बुद्धि का प्रकाश है और मन है वह, उसको क्या बोलते हैं, मन का समाधान वो चंद्रमा देता है। और ज्ञानी को हर पल पूनम होती है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को समझ लिया है, पहचान लिया है, इसीलिए उनका मन को कभी परेशान करता नहीं है। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, ये दर्शना आपका मम्मी किधर गया और पायल आपका मम्मी किधर गया? Yeah।